फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार एक्सप्लेनर चैनल में। तो किया की चौथी गाड़ी किया कारेंस इंडिया में अनवील कर दी गई है। अभी फाइनली लॉन्च नहीं की गई, यानी कि इसके प्राइजेस वगैरह नहीं आए, लेकिन इसमें फीचर कौन से मिलने वाले हैं, क्या डायमेंशन है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो किया कारेंस एक फैमिली कार है, यानी कि थ्री रो कार है। आजकल थ्री रो गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं फैमिली के साथ ट्रिप पे जाऊँ या फिर फैमिली कार खरीदना चाहता है, तो किया कारेंस एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। कंपटीशन की बात करें तो हुंडई अल्काज़ार, मारुति सुजुकी एक्सेल 6, ये इसके कंपटीशन होने वाले हैं। अगर इनोवा क्रिस्टा की बात करें तो उसका प्राइस थोड़ा हाई है, ये थोड़े लो प्राइस में ही लॉन्च की जाएगी। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, इसकी लेंथ जो है 4540 mm है, विड्थ 1800 mm है, हाइट 1700 mm है। व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस 2780 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm की आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसमें फीचर्स कौन से मिलने वाले हैं, क्या क्या आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, किया कारेंस चाहे एक फैमिली कार है, लेकिन ये देखने में एक SUV लगती है। किया सोनेट को ही जैसे लंबा कर दिया गया हो, वैसी आपको देखने को मिलेगी। अब इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सेफ्टी फीचर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, यहाँ तक कि 6 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे, ABS, EBD, 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाएंगी। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी अच्छे खासे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 8 इंच की है वो लोअर वेरिएंट में मिलेगी, बाकी टॉप वेरिएंट में आपको 10.25 इंच की मिल जाएगी। इसके अलावा किया के और फीचर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। 8 स्पीकर बॉस के आपको मिलेंगे, जो कि किया सेल्टोस में यूज़ हो रहे हैं। पता है कि किया जो है ये टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, यानी कि फीचर्स देने के लिए फेमस है, यानी कि UO कनेक्टिविटी वगैरह आपको मिल जाएगी, एम्बियंट लाइटिंग इसमें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन रखा गया है। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं किया कैरेंस में। अब हम बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की। तो दोस्तों, इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन। तो दोस्तों, पहले हम लोग पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। तो पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें 115 हॉर्स पावर आपको जनरेट करके देगा वो इंजन, और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर की जाएगी। इसके साथ ही पेट्रोल टर्बो पेट्रोल आपको मिल जाएगा 1.4 लीटर, जो कि 140 हॉर्स पावर आपको दे देगी 242 NM टॉर्क के साथ। डीजल की बात करें, डीजल 1.5 मिलेगा 115 हॉर्स पावर के साथ और 250 NM टॉर्क मिल जाएगी, ये भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ ऑफर की जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी फीचर्स और ये सारी चीज़ें हैं किया कारेंस में। अभी इसका प्राइस अनवील नहीं किया गया, तो गाड़ी को देखते हुए, फीचर्स को देखते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तकरीबन 16 से 17 लाख रुपए तक चला जाएगा, क्योंकि ये हुंडई अल्काज़ार की ही राइवल है, तो प्राइस भी उसके कंपैरिजन में ही होने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।